हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 16 फरवरी हिंदी का जो पेपर है उससे संबंधित हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम जो है मॉडल पेपर डाल रहे हैं, इसमें छांट करके लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देंगे और थोड़े हिंदी व्याकरण भी देंगे। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी नंबर कट जाते हैं। और ध्यान दीजिए, पिछली हमने कई वीडियो डाला है और इसको भी आप लोग देखते रहना। देखिए, पाजेब पाजेब कहानी के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, जैनेन्द्र कुमार, शिवानी। तो ये कई बार पूछा जा चुका है और ये हम सन बहुत लिखे हैं, इसलिए हम छांट करके डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही होगा, नंबर ग ऑप्शन सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने पाजेब कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथा संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का है? ठुमरी, आदिम रात्र की महक, इसके बाद गा में है का एवं खा दोनों, और कुटज। यानी जो है यहाँ नंबर गा ऑप्शन से होगा, का एवं खा दोनों। कहने का मतलब है ठुमरी और आदिम रात्र की महक, ये दोनों फणीश्वरनाथ रेणु के कथा संग्रह हैं। अगला देखिए, नीलम देश की राजकन्या, ये कई बार हमने पूछा भी है और आप लोग रटाया, लेकिन हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, नाटक, उपन्यास। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, नीलम देश की राजकन्या यहाँ पर नंबर का आएगा, कहानी संग्रह। अगला है क्वेश्चन कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, ये साइंस वाले बच्चे जानते होंगे। प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर बच्चों नंबर का आएगा, महर्षि अरविंद। इन्होंने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अगला है जो कि आपको मालूम है, हम जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम है। वाग्धारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रघुवीर सिंह। तो यहाँ पर बच्चों आएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है यहाँ पर, बहुत ही सोच समझ करके इसको देखना, क्योंकि इसको इसमें से पेपर वाले आपको फंसा सकते हैं। जगत जगत एकता में केवलता है, एकता में हलंत है, दोनों में सूक्ष्म अंतर बताना है। ऑप्शन है संसार और कुएं का चबूतरा, दूसरा है संसार और संसारी, तीसरा है कुआं और संसार, नंबर घा है घड़ा और पानी। तो बच्चों जगत माने तो संसार होता है, और ता में अगर हलंत लग जाता है तो कुएं का चबूतरा हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर का ऑप्शन से होगा, संसार और कुएं का चबूतरा। अगला क्वेश्चन है छत्र और छत्र, एक में छतरी वाला छा है और एक छत्री वाला छा है। तो नंबर क में छतरी और क्षत्रिय, नंबर ख में छात्र और विद्यार्थी, नंबर ग में विद्यार्थी और क्षत्रिय, और नंबर घ में आश्रय और छात्रा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो सकता? तो यहाँ पर बच्चों नंबर क है छतरी और क्षत्रिय, छतरी और क्षत्रिय, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये आ सकता। हाँ, प्रणय और परिणय, प्रणय परिणय। ऑप्शन देखिए, विवाह और प्रेम, प्रेम और विवाह, विवाह पूर्व और विवाह के बाद का प्रेम, नंबर घ है दाम्पत्य संबंध और विवाह संस्कार। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ख होगा, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने विवाह। तो यहाँ पर नंबर ख ऑप्शन से होगा, प्रेम और विवाह। अगला देखिए, जो कई बार भी पूछा गया कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में कभी कभी खुद से आग लग जाती है ना, नंबर का जठराग्नि, नंबर का बड़वाग्नि, नंबर का दावाग्नि, नंबर का वनाली। देखिए जठराग्नि तो पेट की आग को कहते हैं, तुलसीदास ने भी कवितावली में लिखा है कि सबसे बड़ी आग होती है पेट की आग, तो उसको जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा है ना, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में
जो समुद्र में जो आग जला करते हैं उसको बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल में जो खुद आग लग जाती है यहाँ तो वो वनाली लिखा हुआ ना धर आली, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो दावाग्नि होगा यहाँ पर, नंबर ग ऑप्शन होगा दावाग्नि, नंबर ग ऑप्शन होगा दावाग्नि। एक बात और है, समुद्र में या पानी में जल में लगने वाली आग को जो है हम बड़वाग्नि भी कहते हैं, इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने है ना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में इस शब्द का प्रयोग किया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अगला ऑप्शन देखिए कि जो सब कुछ जानता हो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, ज्ञानी, तो यहाँ पर जो सब कुछ जानता हो तो यहाँ ऑप्शन होगा नंबर का सर्वज्ञ। देखिए अगर आप पेपर दे रहे हो और अगर आप 90 क्रॉस करते हो है ना, तो आपका परसेंटेज टोटलिंग बढ़ जाता है। देखिए 70-80 नंबर तो जो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता वो भी ले आता है, और हिंदी आपकी टोटलिंग को बढ़ाती है। अगर आप 95 क्रॉस कर गए हिंदी में है ना, तो आपका परसेंटेज बन जाएगा, इसलिए इसको हल्के मत लो और वीडियो देखो, अच्छे से मेहनत करो जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए, क्योंकि भैया मार्कशीट एक दिन के लिए नहीं होती है, जिंदगी भर के लिए होती है ना, तो अच्छे नंबर आए। आइए अगला चलते हैं। है अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अमर, अजर, अक्षय, तो या तो भैया देखो बहुत सरल है, अनुकरणीय में हम निशान लगा देंगे अनुकरणीय। मध्वरि का संधि विच्छेद है, बहुत बार आ चुका मध्वरि है ना, जहाँ या और वह अक्षर आ जाए समझो यण संधि, यण संधि। तो मधुधन अरि अरि, मधधन वरि, मधुधन अरि, मधुधन अरि, तो यहाँ पर बच्चों नंबर का ऑप्शन से होगा मधुधन अरि, मधुधन अरि। पवनम, पवनम का संधि विच्छेद है, ये भी कई बार पूछा गया है, पवधन नम, पव व में हलंत है, अनम, पोधन अनम, पाधन वनम, अयाद संधि है ना, तो यहाँ पर पोधन अनम, तो यहाँ पवनम होगा नंबर ग ऑप्शन से होगा नंबर ग। इसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर सयनम, सयनम का संधि विच्छेद बताओ, उसी तरह ये भी है ना, ना यहाँ पर होगा पहला देखिए सय धन नम, यहाँ म में हलंत, खा में सई धन एनम, इसके बाद नंबर ग में सय धन अनम, नंबर घ में से धन अनम, तो यहाँ पर नंबर घ ऑप्शन सही होगा से धन अनम, बहुत छाट छाट के शब्द धर रहे। पावक का संधि विच्छेद है, कई बार पेपर में आया, पौधन अक, पाधन वक, पावधन कह, पौधन अक, तो यहाँ पर बच्चों नंबर का ऑप्शन से होगा पौधन अक। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, बस इतना ही सही है, आप वीडियो को लाइक करें और जब तक आपके पेपर ना हो जाए हमारे माध्यम से आप तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।